यूपी में सफाई अभियान और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए यूपी के मुखिया योगी जी ने पूरे प्रदेश में पॉलीथीन बंद करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन शाहपुर नगला पिपरी के ग्राम प्रधान इन सभी अभियानों के अनदेखा करके गहरी नींद में सो रहे हैं, जिसके चलते यहां बने गाँव के बीच में पोखर में पानी घरों में घुस गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की। पोखर के लिए नाला बनवाया जाए पर संबंधित अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं देखता और आसपास की गलियां कचरा और गंदगी के ढेर से भरी पड़ी हैं, जिससे इन सभी जगहों में जलभराव होता है और बीमारी फैलने की शंका रहती है। लंबे समय से इन जगहों की सफाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पोखर में से पानी निकासी के लिए नाला बनवाया जाए, जो ग्राम प्रधान के विकास कार्यों के प्रति बड़ी लापरवाही उजागर करता है और यहां तैनात सफाई कर्मी भी ग्राम प्रधान राधा देवी की लापरवाही से अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा क्षेत्र कूड़े और गंदगी से भरा पड़ा है, जिससे सफाई हेतु ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के चलते कभी भी हमारा भारत स्वच्छता अभियान में सफल नहीं होगा। जब ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से बात की तो ग्राम प्रधान ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि तुम कितना भी जोर लगा लो शासन प्रशासन को व किसी को बुला लो, नाला नहीं निकलने दूंगा। देखिए, आज सबसे पहले बकरीद के मौके पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जनपद में जहां जहां भी नमाज होने थे वहां पुलिस व्यवस्था की गई है। आज यहां ईदगाह पे शहर में जो है पुलिस व्यवस्था पूरी की गई है और नमाज सकुशल संपन्न हो गया है। सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और जनपद के कई जगहों पर सकुशल संपन्न हो गए हैं, कई जगह चल रहे हैं। पूरी पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है पुलिस की मौजूदगी रही है। ईद मनाना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, इसलिए ईद को मनाया जाता है। और ईद में जो दुआ की जाती है ईद की नमाज के बाद, वो अपने देश के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए, नगर पालिका के लिए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए, सभी लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं। और ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। और ख़ुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुल्क के लिए दुआ फरमाई है। देखिए, आज जो बकरीद का अवसर है, हमारे मुस्लिम भाइयों का ये त्यौहार है, कुर्बानी का त्यौहार होता है। हम लोगों ने सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सफाई की, बिजली की सब मुकम्मल की है। यहाँ पे बकरीद की नमाज अदा हो गई है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समय पे बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सभी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। जितनी हमारी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर निगम हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे कुर्बानी के स्थल हैं, सब जगह चिन्हित करके हम लोगों ने सभी मुकम्मल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।